यह सही है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने पर विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 1 जून को यहीं पटना में संवाद कक्ष में होगी। आप सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री स्वयं और उस मायने में बिहार के लगभग सभी दल जाति आधारित जनगणना के पक्ष में शुरू से रहे हैं और इस संबंध में दो दो बार सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव बिहार विधानसभा के समक्ष रखा गया था उसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था और वो प्रस्ताव इस सिलसिले में था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करती थी कि जो 2021 वाली जनगणना है वो जाति आधारित हो, इसमें जातियों की भी गणना की जाए। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, मैं भी था उस प्रतिनिधिमंडल में, और हम लोगों ने अपनी बात रखी थी कि जाति आधारित जनगणना कराना हर हाल में श्रेयस्कर है क्योंकि इसके कई लाभ होंगे। बाद में फिर केंद्र सरकार ने यह बताया कि चूंकि इस सिलसिले में काफी दूर तक बात आगे बढ़ गई है और अब इस मामले में देर हो चुकी है, इसलिए अब की बार ये कराना संभव नहीं है। और धीरे धीरे जो बातें आई कि केंद्र सरकार के माध्यम से भी और फिर अलग अलग दलों की, जो राज्य सरकार अपने स्तर से करा सकती है, इस संबंध में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर सभी दल सहमत हों तो राज्य सरकार अपने संसाधन से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है। ये मुख्यमंत्री जी की भी सोच थी, जनता दल यू की भी सोच थी और हम समझते हैं कि लगभग सारे दलों की सोच थी। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम शीघ्र ही इस विषय पर सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। फिर मुझे ही संसदीय कार्य मंत्री के रूप में ये जिम्मा मिला था और हमने सारे दलों के नेताओं से संपर्क किया, विमर्श किया और फिर 1 जून का दिन निर्धारित हुआ कि इस पर सभी दल के लोग बैठे और 1 जून को 4 बजे से बैठक होगी जिसमें सभी दल के नेता बैठ के बिहार में कम से कम किस प्रकार जाति आधारित जनगणना कराई जाए इस पर विमर्श करेंगे। फिर इस विमर्श में जो बातें निकलेंगी या जो फैसला होगा उसको लागू करने के लिए फिर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलानी होगी, तो उसे अगले मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और फिर सरकार उसको लागू करने का प्रयास सर, करेगी। आपको लगता है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर आपका साथ देगी, क्योंकि लंबे समय से बातें नहीं हो पा रही हैं, उधर से चुप्पी साधे हुए हैं सभी नेता, आपके साथ नहीं, होंगे? हमारे समझ से तो सभी दल सहमत हैं और हमने जो कहा कि सभी दलों से बातें हुई हैं, सभी दलों से विमर्श हुआ है और सभी दल 1 तारीख की बैठक पर सहमत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन सारे दल के लोग आएंगे। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, अभी तक तो बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है या कभी इससे अलग राय नहीं जाहिर की है,
और अभी तो हमने आपको कहा कि विधानसभा में दो दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें तो बीजेपी साथ ही थी। या अभी तक केंद्र सरकार की भी बात हम कह रहे हैं कि हम लोग जो गए थे प्रधानमंत्री से मिलके बताए थे, तो केंद्र सरकार की भी मोटे तौर पर यही प्रतिक्रिया थी कि अब चूंकि देर हो चुकी है, बातें काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, इसलिए अब इसको इसमें शामिल कराना संभव नहीं है। उन्होंने भी तो मतलब इस आइडिया पर या इस चीज़ के बारे में कोई नकारात्मक राय तो दी नहीं जैसा नहीं होना चाहिए। और ये सब मानते हैं कि राज्य सरकार अगर अपने स्तर से करा सकती है तो कराना चाहिए, उसी सिलसिले में बैठक है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है सर? बहुत ठीक, दिक्कत कहाँ लग रहा, कहीं दिक्कत है क्या? एक इशू जो है सर काफी चर्चा का है कि आरसीपी सिंह लास्ट रात सभा जाएंगे कि नहीं, कब तक फैसला, कब तक जेडीयू में भी बुधवार के नाम पर ऐलान होना है? पहले भी ऐसा देखा गया है कि आपके यहाँ तुरंत फैसले होते हैं, इस बार कुछ देरी हो रही है तो लोगों के बीच में शंका का बात है। जब आप पिछले बार की बात कह रहे हैं तो आप बताइए कि अभी पिछले बार बाय इलेक्शन में ही उम्मीदवार का फैसला कब हुआ था, कब घोषणा हुई थी बताइए? जो अंतिम तिथि नामांकन की होती है, सामान्य रूप से जनता दल यू के उम्मीदवार उस अंतिम तिथि से एक दो दिन पहले घोषित होते हैं। अभी तो समय बीता नहीं, आज से तो नामांकन शुरू ही हो रहा है, 31 तारीख तक नामांकन की तिथि है। तो इसलिए पूरे धैर्य से रहिए, समय पर जिस परंपरा की बात आपने कही है कि जनता दल यू के उम्मीदवार जिस रूप में जिस समय में घोषित होते रहे हैं उसी रूप में समय पर घोषित हो जाएंगे।